प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावन आप सबको आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का एक खास मकसद है। वैसे तो ये बात जो मैं आज अभी आपको बताने वाला हूँ, ये मैं कल सत्संग में बताने वाला था, पर मैं भूल गया। और वो बात ये है कि जैसे इस फरवरी महीने की लिए परमेश्वर ने अपनी सुविच्छा को डाला मेरे मन में कि सब मीटिंग्स को टाइम से अटेंड करना। और जैसे हमने इस फरवरी महीने में, इस पिछले हफ्ते हमने एक पूरे हफ्ते की प्रेयर रखी, और ये आज से ये प्रेयर शुरू है, फिर से ये प्रेयर शुरू है। और आज से सोमवार से लेके ये सैटरडे शनिवार तक ये प्रार्थना चलेगी। पर ये बात मैं कल मैं सत्संग में बताने वाला था, पर मैं भूल गया। और वो बात ये है कि जैसे आपकी जो भी मुश्किल है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है, हालात है, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, जहाँ कर्जा है, जहाँ कोई ऐसी बीमारी है, या जो कुछ भी आप खुदा से चाहते हो, बेबी की ब्लेसिंग, घर की, मैरिज लाइफ के लिए, बच्चों के लिए, या एक अच्छे बिजनेस के लिए, या फॉर्म के लिए भी, ऐसे सब चीजें, तो उसके लिए आप अपने अपने जितने अपने अपने फॉर्म फिल कराना, जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं लोग, ये उनके लिए खास है आज ये मैसेज है मेरा, क्योंकि कल मैं बता नहीं पाया। तो आप इस वीडियो को सुनिए और दूसरों से भी शेयर करें, और आकर अपने अपने फॉर्म को भरवाएं, क्योंकि ये आज से ये स्टार्ट है। बोलो क्या, ये आज से स्टार्ट है, और ये बहुत ही प्रभु की बड़ी सुविच्छा है आपकी उन्नति के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए। और साथ में ये ऑनलाइन भी जो लोग हमें वॉच करते हैं, जो हमें देखते हैं, उनके लिए भी है। आप भी इन नंबरों पर, ये जो नंबर आप देख रहे हो, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो और अपने अपने फॉर्म को फिल करवाएं। आपकी भी जो भी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप लिखवा सकते हो, ताकि जिस बात की परमेश्वर ने मेरे मन में अपनी सुविच्छा को डाला है, उसका लाभ आप ही उठा सकूं। और वो सुविच्छा ये है ना कि जैसे मैंने फरवरी महीने के लिए तो अनाउंस किया ही था। बोलो क्या है, फरवरी महीने के लिए मैंने ये अनाउंस किया था, और उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा साल चलेगा। और हर प्रभु भोज की मीटिंग के बाद हम एक हफ्ते की प्रे रखेंगे खुदा के भवन में ना? तो क्या होगा कि जैसे अभी तो 3 तारीख को प्रभु भोज है, 3 तारीख को, और उसके बाद फिर एक हफ्ते की प्रेयर चलेगी। वैसे तो अभी ये स्टार्ट है, ये प्रेयर, ये जो हम कर रहे हैं अभी ये इस हफ्ते में, पर इस संडे से अगले संडे 3 तारीख के बाद फिर हम एक हफ्ते की प्रेयर रखेंगे। और उसमें क्या है कि जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो फॉर्म में आपकी लिखी जाएंगी, तो आपकी वो चीजें हम यहां पे, मैं और मेरे साथ जो मेरी टीम है, हम उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वैसे नहीं जैसे कुछ है ना, मतलब ऐसे परमेश्वर ने अपने दासों को इस्तेमाल किया कि वो फॉर्म रखकर, लोगों के हाथ रखकर ऐसे प्रार्थना करते हैं, पर परमेश्वर ने मेरे मन में अपनी सुविच्छा को डाला कि हम, मैं और मेरी टीम, एक एक बंदे की, जितने तो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं या फिर जितने भी ऑनलाइन हमें वॉच करते हैं, देखते हैं, उनके लिए भी आपकी उस प्रार्थना जो होगी, आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी, उस फॉर्म पर लिखी जाएगी। और फिर हम यहाँ पे जो हर महीने प्रभु भोज की मीटिंग के बाद एक हफ्ते की प्रेयर होगी ना, तो
उसमें एक एक बंदे की जो जो समस्या है, जो जो प्रॉब्लम है, या जो भी वो चाहते हैं, उसको नाम लेके एक एक बंदे की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे पास लंबा समय है और ये प्रार्थना जो चलेगी है प्रभु भोज की मीटिंग के बाद हर हफ्ते में, तो सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी। तो इसमें हम बहुत से लोगों की ऐसे खुदा से बोल बोल कर प्रार्थना करेंगे। हम इतना जितना हमारे पास टाइम है, हम हजारों के लिए ऐसे प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है, बोलो क्या है, मेरा विश्वास है कि जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके लिए, और जो ऑनलाइन भी हमें देखते हैं, दोनों के लिए परमेश्वर उनके लिए एक बड़ा, बहुत बड़ी चीज करेगा, बड़े वो रिजल्ट को उनके जिंदगियों में पैदा करेगा। क्योंकि जो परमेश्वर ने अपना वचन मुझे दिया है स्वर्ग से, ना जैसे फिलिपियों 2:13 में तो हम पढ़ते ही है ना कि परमेश्वर ये जो अपनी सो इच्छा और इच्छा दोनों बातों का प्रभाव हमारे मन में डालता है। वहां पे तो लिखा डालता, पर ओरिजिनल टेस्टमेंट में लिखा वो डालता ही रहता है। और परमेश्वर ने इस बात का प्रभाव मेरे मन में डाला है कि हम आपके लिए इस तरीके से प्रार्थना करें। बोलो क्या है, और मेरा विश्वास है कि इस बात की सुविच्छा परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है, निश्चय परमेश्वर आप बड़ी गवाहियों से खड़ा करेगा, बड़ी ब्लेसिंग को आपकी जिंदगी में पैदा करेगा। ओके, तो परमेश्वर आपको बरकत दे और इसको मिस नहीं करना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये हफ्ता तो अभी स्टार्ट है। जो मैं कल भूलने वाला तो मैं भूल गया, तो ये सबसे पहले तो जो लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं वो कल से आए और अपने अपने फॉर्म फिल करवाए, जो ऑनलाइन है वो भी करवा सकते हैं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करना, ओके, ताकि ये मैसेज दूसरों तक भी जाए। और वैसे भी परमेश्वर के वचन में लिखा है ना फिलिपियों 2:3 में कि अपने हित की नहीं दूसरों के हित की भी चिंता करो। अगर परमेश्वर ने अपनी सुविच्छा को मेरे मन में डाला अपने लोगों की उन्नति के लिए, तो दूसरे के साथ भी शेयर करो, है ना, ताकि जो भी लोग प्रॉब्लम में, दुख में, अगर हालात में, तो वो भी इस बात का लाभ उठाएं। बोलो क्या है, वो भी लाभ उठाएं। तो परमेश्वर आप सबको इस वीडियो के द्वारा बढ़िया शीश देगा, और मेरा विश्वास है कि जिस बात की परमेश्वर ने आपकी उन्नति के लिए, छुटकारे के लिए, शीश के लिए ये प्रेयर रिक्वेस्ट की, मेरे मन में अपनी सुविच्छा को डाला है, इसका बड़ा रिजल्ट आप देखने वाले हो। क्योंकि ये पूरा 2024 है ना, जो हर प्रभु भोज की मीटिंग के बाद एक हफ्ते की प्रेयर चल स्टार्ट है पूरा, तो बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी गवाहियों से खड़ा करेगा। ओके, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वीडियो के द्वारा, खुदावन बरकत दे, गॉड ब्लेस यू ऑल, यीशु मसीह के नाम।